भाजपा एमएलए बिरंची नारायण के बॉडीगार्ड ने बोकारो के पत्रकार अजीत कुमार की पिटाई कर दी। विधायक के साथ कुछ अन्य लोगों के साथ हो रही नोकझोंक के पल का कैद वीडियो भी मोबाइल से डिलीट कर दिया गया। पत्रकार अजीत कुमार की पिटाई कर देने की फैली खबर के बाद वहां के पत्रकार गोलबंद हो गए। उनका गुस्सा उबाल पर था। पत्रकारों ने स्थानीय सर्किट हाउस में आपात बैठक कर निंदा प्रस्ताव पारित किया। वहीं बोकारो के डीसी कुलदीप चौधरी से मिलकर पूरे मामले की जांच करा दोषी को दंडित करने की मांग रखी। डीसी ने कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। दुखी पत्रकारों में कुछ ने बताया कि आज सेक्टर एक में नव निर्माणाधीन तिरंगा पार्क में झंडा फहराने के लिए फाउंडेशन का शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया था। इसमें विधायक और सांसद को भी भाग लेना था। वहां मौजूद विधायक के साथ कुछ अन्य लोगों का किसी बात को लेकर कहासुनी होने लगी। नौबत मारपीट तक पहुंच गई। मौके पर मौजूद पत्रकार अजीत कुमार समाचार कवरेज के इरादे से वीडियो बनाने लगे। यह देख विधायक बमक गए, अजीत का मोबाइल छीनने लगे। बॉडीगार्ड नेमलाल महतो पर इल्जाम है कि उसने पत्रकार का मोबाइल छीन लिया और उसकी पिटाई भी कर दी। मोबाइल से वीडियो डिलीट कर दिया गया। इसके बाद गोलबंद हो गए पत्रकारों ने बोकारो के डीसी और एसपी से भेंट कर कार्रवाई करने की मांग की है। क्या तिरंगा पार्क में जो है कि पार्क का शिलान्यास होना था, तिरंगा पार्क का, वहाँ पे माननीय सांसद माननीय विधायक को आना था। माननीय विधायक पहले से मौजूद थे वहाँ पे, अपने ही कार्यकर्ताओं से वो किसी बात को लेकर के उलझ रहे थे। तो उसी क्रम में हम जो है कि वीडियो बना रहे थे अपने न्यूज़ के ये के लिए, तो विधायक और उनके अंगरक्षकों के द्वारा हमें जो है कि हमारा मोबाइल को छीना गया और उनके बॉडीगार्ड जो हैं द्वारा जो है कि हमें मारा भी गया है। तो हम अभी इसकी लिखित शिकायत जो है कि बोकारो उपायुक्त से करने के लिए हम आए हुए हैं और उचित कार्रवाई की मांग की है। कोहराम लाइव के लिए बोकारो से परमेश्वर मंडल की रिपोर्ट।